नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एमवी नेटवर्क। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को 26,000 करोड़ रुपए का मेगा गिफ्ट दिया है। पीएम मोदी ने जगदलपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो गरीब की है, इसीलिए गरीब कल्याण ही मेरा मकसद है। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ 5 साल में छत्तीसगढ़ को जो हालात दिए हैं उससे पूरा देश देख रहा है। इनके विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे किए हैं उसे हर कोई त्रस्त नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के अलावा उन्होंने कहा है कि अपराध हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ चरम पर है। इसी के अलावा उन्होंने तमाम बातें कही हैं। कभी कभी तो लोग लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपराधिक मामलों में कभी भी पीछे नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में विकास या तो कांग्रेस के पोस्टर बैनर में दिखता है या फिर नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर कुछ दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आवाज आ रही है, और नहीं सही वो बदल के रही वो। तो आपको बता दें कि गरीब का कल्याण ही मेरा मकसद है। प्रधानमंत्री मोदी ने जगदलपुर छत्तीसगढ़ से अपने जनता को संबोधित करते हुए भाषण के दौरान ये तमाम बातें कही हैं। छत्तीसगढ़ की हालातों पर भी उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने कहा है कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है और जो उनका विकास है वो सिर्फ पोस्टरों में दिखता है या फिर सांसदों और नेताओं की तिजोरी में दिखता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में विकास सिर्फ नाम मात्र रह गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि गरीब का कल्याण ही मेरा मकसद है और सबसे ज्यादा जो वोट बैंक के वोट्स हैं वो गरीबों के हैं और इसके चलते गरीब का कल्याण ही मेरा कल्याण है। और इसको लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं, जिसे कहेंगे चुनावी भाषण के दौरान उन्होंने चुनावी बिगुल फूंकते हुए तमाम बातें कही हैं। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी का जो 26,000 करोड़ का मेगा गिफ्ट है वो देते हुए उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि कांग्रेस लगातार बड़े बड़े दावे करती है लेकिन मोदी जो गारंटी देता है वो उसकी गारंटी लेता भी है और उसको पूरी करके रहता है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी ही गारंटी है और इसको लेकर कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ में जो अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर भी उन्होंने आशंका जताई है और चिंता जताते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लगातार आपराधिक मामलों को लेकर अपनी छाप छोड़ती जा रही है, चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो या फिर राजस्थान की। राजस्थान में भी अपराध किस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसकी हद सबने देखी है। अब छत्तीसगढ़ में किस तरीके से हत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं, चाहे अपराध के मामले बढ़ रहे हो चाहे बलात्कार के मामले बढ़ रहे हो, उसमें छत्तीसगढ़ भी अब राजस्थान की टक्कर देने को सबसे आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने तमाम बातें कहते हुए जनता को संबोधित किया है। जगदलपुर आया हो, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है, हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। झूठे प्रचार की आड़ में ये लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं और आकंठ भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है, छत्तीसगढ़ कह रहा है
औ नहीं सही बो, औ नहीं सही बो। देश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियों का काम होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में ओडिशा राज्य में 2.63 लाख करोड़ रूपए दिए गए थे और अब बढ़कर 18.83 लाख करोड़ रूपए दिए जाते हैं। मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी कांग्रेस की लुक ईस्ट पॉलिसी से कई हद तक बेहतर है। वो केवल देखने की ही बात नहीं करते हैं, यहां पीएम का एक्शन बोलता है। तो आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने तमाम बातें कही हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ जुमलेबाजी करती है, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री का एक्शन बोलता है कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर विकास के कार्य हो रहे हैं, किस तरीके से पहले धनराशि दी जाती थी जो बढ़कर अब इतनी कर दी गई है, लेकिन उस हिसाब से विकास कार्य नहीं दिख पा रहे हैं और वो सिर्फ कागजों में दिख पाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो विकास के कार्य कहां है इसका जायजा कौन लेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का काम अब होना चाहिए, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए कि किस तरीके से इनकी आय में बढ़ोतरी तो की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कब होगा, कैसे होगा और क्यों जो ऐसे काम चल रहे हैं उन पर कब से कब एक्शन लेते हुए अब सरकार एक्टिव मोड पर आएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार तमाम बातें कहते हैं, चाहे बात चुनावी रैली की जाए चाहे चुनाव से परे होकर अनुराग ठाकुर लगातार अपनी बात को उठाते नजर आए हैं और इसी बीच उन्होंने अब कांग्रेस सरकार पर तमाम मुद्दे उठाए हैं और इसी के साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबदबा अब ऐसे सांसदों मंत्री नेताओं पर चलाने को कहा है जिनकी आय में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उनके काम की बढ़ोतरी हाल फिलहाल विकास कार्यों में नहीं दिख पा रही है। क्योंकि ये भारत से होकर, देखिए मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्रता हैं, वो अपनी कार्रवाई जनता पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक गरीब कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई भी सदन होगा, हम लोग वहां जनता से जुड़ी हुई बातों को उठाते हैं और उठाते रहेंगे जो जनता के हित में है। और जहां सत्ता में है वहां गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लाकर गरीबों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाए हैं और यही कारण है कि आज 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से पहली बार बाहर आए, तो 70 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई जो मोदी जी के 9 वर्षों की मेहनत के कारण हो पाए। ये बड़ा बदलाव है, स्पष्ट हो गया देश में कि मोदी जी के काम का जवाब किसी के पास नहीं, मोदी जी के नेतृत्व का जवाब किसी के पास नहीं, मोदी जी जैसी दूरदृष्टि और विजन किसी के पास नहीं, और जो गरीब कल्याणकारी योजना मोदी जी ने चलाई, अब सबको लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर हम G20 की प्रेसिडेंसी, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताड़ो के रायपुर रेलवे सेवा का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश हर जिला हर गांव विकसित होगा। विकसित भारत के लिए फिजिकल डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। यही वजह है कि हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्चे को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 30 से अधिक स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी। वंदे भारत का भी संचालन किया जा रहा है। विकसित भारत का सपना तब सिद्ध हो जाएगा जब हर प्रदेश हर जिला हर गांव विकसित होगा। विकसित भारत के लिए फिजिकल डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। यही वजह है कि हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्चे को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो आपको बता दें, ताड़ो की रायपुर रेल सेवाओं को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में अब अलग अलग जगहों पर
30 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। बता दें कि ये रेल सेवाएं जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएंगी, जिसमें वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। तमाम सुविधाएं वहां से उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे कि आम जनता को अब यातायात में कोई दिक्कत ना आए। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही अब हमारे देश के विकास की एक तस्वीर को दर्शाएगा, इसीलिए उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर इसमें बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि विकास के लिए अब 10 लाख करोड़ रुपए हम स्वीकृत कराएंगे, क्योंकि विकास अब देश के विकास को दिखाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत अहम चीज है। उन्होंने कहा है कि ऐसी रेल सेवाओं का शुभारंभ हम लगातार करते रहेंगे, और इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ भी किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर वंदे भारत ट्रेन भी पहुंचाई जाएगी। अभी हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ के अलावा तमाम जगहों पर वंदे भारत ट्रेनों का आगाज कर दिया गया है, शुभारंभ कर दिया गया है, लेकिन तमाम ऐसी राज्य और तमाम ऐसी जगहें अभी बाकी हैं जहां पर वंदे भारत ट्रेन की सेवाएं देनी अभी बाकी है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना हमारा एक काम हो चुका है, हमारा मकसद हो चुका है, जिसके लिए अब वंदे भारत ट्रेन भी अब आगे कई राज्यों में देखने को मिलेगी। और ये देश को समर्पित मेरी परियोजनाओं का एक मेगा गिफ्ट है। छत्तीसगढ़ के बता दें कि रैली के दौरान ये तमाम बातें कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित किया। विधायक 27,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी को, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले चले। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर आगामी दिसंबर में देश के सिरमौर राज्य उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आगाज होने वाला है। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं, जहां उत्तराखंड सदन में मुख्यमंत्री बड़े उद्योगपतियों के साथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री हाल ही में लंदन दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने बड़े उद्योग समूह के साथ 12,500 करोड़ के करार भी किए थे। राज्य सरकार इस कोशिश में है कि प्रदेश में देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़े निवेश आए। और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले कई बड़े उद्योग उत्तराखंड में निवेश के लिए अपना प्रस्ताव दे चुके हैं। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि इन्वेस्टर समिट के आयोजन से पहले प्रदेश में बड़े निवेशों की स्वीकृति होगी। बड़ी राशि होगी, और निश्चित रूप से अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, जितने बार भी हमारा संवाद हुआ है, सब में अच्छी और अच्छा। आपको पहले भी आप सब से मैंने निवेदन किया कि इस बार जो हमने एक थोड़ा सा ये मानक अपने लिए भी तय किए हैं, सरकार के लिहाज से भी और उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से भी, हम ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं। ये केवल उसी दिन के लिए करार करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि जिस दिन मुख्य कार्यक्रम होगा या मुख्य समारोह होगा उस दिन कार्यक्रम होंगे, उस दिन निवेश के करार होंगे। उससे पहले एक बड़ी धनराशि, एक बड़ा निवेश ग्राउंड पर पहले ही आ जाए, यानी कि जिस दिन हम ये कार्यक्रम कर रहे होंगे तो अच्छी अच्छा निवेश हमारा तब तक जो है ग्राउंड। देश के सिरमौर राज्य उत्तराखंड में 28 नवंबर से 3 दिवसीय विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया है कि 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा की जाएगी, किस तरह से अलग अलग देश में आपदा प्रबंधन के लिए काम किया जा रहा है। सम्मेलन में तमाम देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें आमंत्रित किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन ने तमाम संदेश दिए हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने संदेश के दौरान कहा है कि आपदा प्रबंधन के लिए किए जा रहे कामों के बारे में बातचीत की जाए, और इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। जिसमें अभी G20
इसमें 50 टेक्निकल सेशन होंगे और कई विशेष तकनीकी सत्रों में आपदा प्रबंधन से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी पर मुख्यतः बात होगी। जलवायु परिवर्तन है, आपदा प्रतिरोधकता है और आपदा से पहले पूर्व जो चेतावनी होती है, डिजास्टर आने से पहले जो जानकारियां पहले ही प्राप्त हो जाती हैं और प्रतिरोधकता तथा आपदा के पश्चात जो चुनौतियां आती हैं सामने कि जब आपदा हो जाती है उसके बाद कैसे लोगों का पुनर्वास हो, कैसे उन सब क्षेत्रों का पुनर्निर्माण तेजी से हो, इन सभी पर ठीक प्रकार से वार्ता होगी। कैसे एकीकृत करके जलवायु परिवर्तन जनित चुनौतियों को और अच्छे तरीके से इसमें सामना करने में सहायता निश्चित रूप से इस सम्मेलन से हमको मिलेगी और इसमें जो प्रभावित समुदाय की जो प्रतिरोधकता में कहीं ना कहीं जो उनको उस समय में आवश्यकता होती है, जिस प्रकार की जरूरत होती है वो जरूरत उनको मिलेगी और प्रकृति की सुरक्षा के प्रति भी जो विशेष समुदाय हैं और जिन लोगों को उस समय में काम करना होता है, पहले के समय में भी चूंकि आपदा आती थी इस प्रकार के बहुत सारे ज्ञान विज्ञान का इतना विस्तार नहीं था लेकिन फिर भी लोग उसका सामना करते थे। अगली खबर भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ही है जहां पर सरकारी योजनाओं की आड़ में करप्शन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि प्रदेश में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शासन में बैठे सभी अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन अधिकारी कितना कर रहे हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो बजट विभागों को दिया गया है 6 महीने बीत जाने के बाद उस बजट का 50% हिस्सा भी विभाग पर अभी तक खर्च नहीं हो पाया है। ऐसे में अगले 6 महीने कितने काम के होंगे, कैसे ये बजट खर्च किया जाएगा इसका जवाब विभागों के पास भी नहीं है। जानकारी के मुताबिक इसमें से पीडब्ल्यूडी विभाग को मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस विभाग को 1681 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे जिनमें से पीडब्ल्यूडी ने 585 करोड़ रुपए ही अभी तक खर्च किए हैं जबकि शहरी विकास विभाग ने 1116 करोड़ रुपए में से 77 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग ने 1194 करोड़ रुपए में से सिर्फ 261 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास विभाग ने 1985 करोड़ में से 463 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। हालांकि बीजेपी विधायक खजान दास और कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है अधिकारियों को भी दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं कि समय पे पैसा खर्च होना चाहिए क्योंकि अब ऐसा भी प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार से सरकार की योजना है कि अब जनवरी से दिसंबर तक योजनाओं का जो स्वरूप दिया जाएगा जैसे हम जिसको मार्च मानते थे मार्च टू मार्च अब ऐसा नहीं है और ऐसा आगे ऐसा ही होगा। तो कुल मिलाकर के वित्त मंत्री ने जो दिशा निर्देश किए हैं उसके अनुसार अधिकारियों को भी समझना चाहिए और समय पर कार्य पूरा करना चाहिए अन्यथा फिर दिक्कतें आएगी लैप्स बजट होने के चांस है परंतु ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से चेताने का काम माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है उसको धरातल में उतारने का काम अधिकारियों करें। आपको लगता है जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? आप बिल्कुल ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि जिसको जितना भी निर्धारित बजट दिया गया है समय पर योजना बने समय पर उसको पूरा कर लेना चाहिए और ये जिम्मेदारी अधिकारियों की भी बनती है और जो हमारे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं सर्वोपरि है और वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं समय समय पर और इसलिए दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। नाकामी है और सरकार की भी नाकामी है। मुख्यमंत्री पिछले वित्तीय वर्ष में जो चेतावनी दे रहे थे अधिकारियों को कि आगे से ऐसा नहीं चलेगा तो मुख्यमंत्री के चेतावनी का क्या असर हुआ? रिजल्ट जो है फिर जीरो है। विभाग जो है बजट खर्च में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। अगर बजट खर्च नहीं होगा तो विकास धरातल पर कैसे उतरेगा? और आप देखिए कि दूसरा मार्च सिर पे आ जाएगा और पैसा लैप्स होगा तो उससे निश्चित तौर पर राज्य का नुकसान होगा। वो किसी भी आप विभाग में लीजिए, आप सिंचाई में लीजिए, पीडब्ल्यूडी में लीजिए, शिक्षा में लीजिए या आप कृषि में लीजिए, हर विभाग जो है इसी कथा पर आगे बढ़ रहा है। आखिर क्या कारण है? मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले अधिकारी एसी कमरों में बैठ के कागजी कार्रवाई को जो है धरातल पर क्यों नहीं उतार पा रहे? तो ये कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों की उदासीनता भी है और जो सरकार है उसकी अनुभवहीनता के कारण भी ऐसा हो रहा है क्योंकि सरकार के पास अनुभव की कमी है जिस कारण वो ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने में नाकाम है और अधिकारियों ठीक बात नहीं ना। मॉर्निंग आ गया पेपर।
यूपी के झांसी से जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर मऊरानीपुर कोतवाली इलाके में एक मानसिक बुजुर्ग महिला को एक युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाया है, जिसकी सूचना पर बता दें कि परिजनों को मिलते ही परिजनों ने घटना की शिकायत कोतवाली पुलिस को दी और पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला को एक व्यक्ति बहला फुसलाकर घर के पीछे ले गया, जहां उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए, जिससे परिजनों ने देखा और घटना की सूचना तुरंत पुलिस वालों को दी है। तो आपको बता दें, मऊरानीपुर से दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। ये यूपी के झांसी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर 60 साल के बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार किया गया है, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए हैं, जिसके बाद परिजनों ने इस पूरे मामले को देखा और उसके बाद तुरंत पुलिस वालों को इस पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस तत्काल रूप से इस कार्रवाई में आगे जुट चुकी है। 60 साल के बुजुर्ग महिला से बलात्कार की यह बड़ी सनसनीखेज खबर सीधे यूपी के झांसी से सामने आई है, जहां पर महिला को बहला फुसलाकर घर के पीछे ले जाया गया, फिर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए और बता दें कि 60 साल के बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देते हुए यूपी के झांसी से यह बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। यूपी के आगरा से एक वारदात को सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर दो पक्षों के बीच मामूली सी बात पर शुरू हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। एक गुट की ओर से गोलीबारी की गई और दूसरे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल ये पूरा मामला लोगों के घरों पर पत्थर फेंकने से जुड़ा है। यहां रहने वाले एक परिवार ने पत्थर फेंकते हुए एक लड़की की वीडियो बना ली। उसके घर शिकायत लेकर पहुंचने पर उन्हें जानलेवा हमले का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है और इसी बीच 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पत्थरबाजी को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद आगरा से ये पूरी वारदात सामने आई है, जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामूली सा झगड़ा था जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया है। देखिए, ये नगला राममल में अनिल का परिवार यहाँ रहता है। अनिल बेसिकली पंजाब में नौकरी करते हैं, तो इनके घर पे पत्थरबाजी की घटना होती थी, जिसमें उन्हें शक था कि ये जो पुष्पिंदर है ये लोग पत्थर फेंकते हैं। कल इन्होंने पुष्पिंदर के किस लड़के को देख लिया होगा पत्थर फेंकते हुए, उसकी शिकायत आज उसके घर पे करने आए थे। इसी बात पे विवाद हुआ है और पुष्पिंदर लोगों ने फायरिंग कर दी गई है, जिसमें अनिल वो उनका साला संतोष घायल हुए हैं, गोली की चोट है, जिनको की इलाज के लिए अस्पताल। हाँ, इसमें अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाकी जैसा FIR है। अगली खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने 1.5 साल से लापता युवक की हत्या की आशंका में पत्नी का घर खुदवा दिया। बता दें कि मोहल्ले वालों की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। घर में शव दफन होने की ये खबर मिली है और उसके बाद कोई सबूत भी नहीं मिला है। वहीं पीड़ित पत्नी शक के बिना पर खोदे गए घर की मरम्मत करने की मांग की जा रही है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा AM Network।